भारत में ठंड ने दस्तक दे दी है। पहाड़ों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है, जिसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। कश्मीर में तापमान शून्य से नीचे जा चुका है। कश्मीर के गुलमर्ग सहित कई जगहों पर बर्फबारी हुई है। वहीं इसका असर दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। यूपी की बात की जाए तो यूपी के कई जिलों में ठंड के साथ साथ कोहरे ने दस्तक दी है। कई जगहों पर कोहरे के कारण गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो ये बारिश का मौसम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हो रहा है। अरब सागर में उठे तूफान के कारण तीनों दिशाओं से हवाएं चलने की वजह से इस प्रकार का मौसम बना हुआ है। अभी दो दिन तक इसी प्रकार का तेज से छिटपुट बारिश का आशंका बना हुआ है। हालांकि इस बारिश से दिन के तापमान में किसी प्रकार का कोई खास गिरावट नहीं होगा, रात के तापमान में कमी देखी जा सकती है। अभी दो दिन तक ऐसा मौसम बना रहेगा। वहीं राजस्थान सहित आसपास के इलाकों में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। ठंड बढ़ने के कारण सुबह शाम सड़कों पर कोहरा देखने को मिल रहा है। कोहरे के कारण आने जाने वाली गाड़ियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियों की रफ्तार कोहरे के कारण धीमी होती दिख रही है। वहीं कोहरे से बचाव के लिए कई लोग फॉग लाइट चला रहे हैं। वहीं इसका असर ट्रेनों पर भी पड़ रहा है। कई ट्रेनें अभी से कोहरे के कारण देर से चल रही हैं।